अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शायदा समर। कैसे हैं आप सब? आज हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं और आज मैं बना रही हूँ सैंडविचेस, और उन सैंडविचेस का नाम है चिकन वेजिटेबल क्रीम सैंडविच। और ये बहुत ही मजेदार और सिंपल रेसिपी, और हम बहुत ही झटपट बनाएंगे इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिया हुआ 250 ग्राम चिकन, और मैंने इसको बॉईल करके और थोड़ी सी काली मिर्च और बहुत ही कम नमक डाल के इसको मैंने सिंपली बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे एक प्याज और एक कप मुझे चाहिए बंद गोभी, और एक बड़े साइज की गाजर चाहिए मुझे, और एक यहाँ पर खीरा, और 2 टेबलस्पून यहाँ मुझे मेयोनीज चाहिए, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए मुझे, और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने रखा हुआ है क्रीम का, और 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए यहाँ केचप। और यहाँ पर मैं डालूंगी गाजर जिसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है, बहुत है ये। और अब मैं डालूंगी खीरा इसमें एक अदर, जो हमने इसको भी हमने चॉप किया हुआ था। और यहाँ पर मैं ऐड करूंगी एक अदर प्याज, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। ये हो गया। अब हम डालेंगे इसमें कैबेज, बंद गोभी ऐड करेंगे एक कप बस। और यहाँ पर मैं डालूंगी पिसी हुई काली मिर्च, इसको हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर ऐड करूंगी मैं क्रीम, और अब हम ऐड करेंगे इसमें मेयोनीज। ये लें जी, मेयोनीज भी हो गई। अब मैं इसमें ऐड करूंगी केचप, और इन सारी चीजों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। ये लें जी, अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक मजेदार सा मिक्सचर बना लेंगे, और हमारे सैंडविचेस हो जाएंगे रेडी। हमने सॉल्ट नहीं ऐड किया क्योंकि मेयोनीज में थोड़ा सॉल्ट होता है, और सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास ब्रेड के स्लाइस, और मैंने इनके कॉर्नर को कट कर लिया था। और हमने करना क्या है, सिंपली हमने बैटर को उठाना है और इसको हमने प्रेस करना है, और हमने अपने सैंडविचेस रेडी करते जाना है। ये देखे, इस तरह करके हम सारों को फिलअप कर लेंगे और इनको कंप्लीट कर लेंगे इस तरह करके। ये देखे, ये ले जी, हमने सैंडविचेस कर लिए हैं बिल्कुल रेडी। बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही यमी रेसिपी हमने डन कर लिए, और आज हमने बनाए हैं चिकन वेजिटेबल और क्रीम सैंडविचेस। और सारी रेसिपी आपके साथ है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना है कि ये कैसे बने थे। और वीडियो को आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।